ओम शांति। हमारे भाग्य के क्या कहने, जिनकी माँ ही स्वयं भाग्य विधाता हो। सोचने की बात है, एक माँ अपने प्यारे बच्चों के भाग्य की रेखाएं कैसी खींचेगी। सबसे महान हमारी माँ भाग्य विधाता है, हमारा भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। सदा इस नशे में रहें, इस खुमारी में रहें, तो दिनों दिन भाग्य बढ़ता जाएगा, श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा, बिगड़ा हुआ भाग्य भी संवरता जाएगा, भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमकता जाएगा। तो हम जरा विचार करें, इस जीवन में हमने क्या क्या पाया, जिसे ढूंढते थे, जिसके दर्शनों के प्यासे थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए नैन तरसते थे, जिसे क्षणिक भर के मिलन के लिए युगों से हम भक्ति करते थे, त्याग तपस्या करते थे, वो स्वयं हमारा होकर हमारे पास आ गए। कितने समीप आ गए हम उनके, सोचा क्या था, मिला क्या, हो क्या गया। हमारे जीवन का निर्माण स्वयं वो करने लगे, तो आज सारा दिन हम इस चिंतन में रहेंगे, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है, जो सारे संसार के बोझ उठाने वाला है वो मेरा है, जो विश्व नियंता है वो मेरा है। कितनी सुंदर बात है, उसने हमें अधिकार दिया, मैं तुम्हारा हूँ, मुझ पर तुम्हारा अधिकार है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, पहला अधिकार मुझ पर तुम्हारा, और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। मस्त हो जाएं हम ईश्वरीय खुमारी में, कि भगवान स्वयं हमारा हो गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया, हम उसे अधिकार से यूज करें, यूज कर सकते हैं, यूज करना सीख लें। इस कलयुगी संसार के युद्ध के मैदान में हम अकेले युद्ध न करें, सर्वशक्तिवान को साथ लेकर चलें, तो माया और परिस्थितियां भाग जाएंगी। तो अपने भाग्य को जरा सराहते रहें, अपने खुशियों के दिनों को देखकर मुस्कुराते रहें। कल्प कल्प जन्म जन्म के महान भाग्य को बनाने का सुंदर अवसर मिल गया है, जैसा अब करेंगे वैसा ही हर कल्प होगा, जो अब कर लेंगे वो जन्म जन्म चलेगा। ऐसा स्वर्णिम भाग्य हमारे सम्मुख आ गया है, हमारे द्वार पर आ गया है। सोच लें, ऐसे भाग्य को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लौकिक नौकरियों के लिए, एक 10-20-50 हजार कमाने के लिए हम रात दिन एक किए रखते हैं, और भगवान से स्वर्ग की राजाई पाने के लिए, जन्म जन्म के लिए महान भाग्य को पाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपने से बात करें, और मेहनत और कुछ नहीं, केवल स्वयं को योग युक्त करने की मेहनत है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव महान बनाने की मेहनत है, एकाग्र चित्त होकर बाबा से सर्वस्व प्राप्त करने की मेहनत है। तो आइए आज सारा दिन
इस खुमारी में रहें, भगवान मेरा है, वो मेरे लिए है, और जब भी हम उसे प्यार से बुलाएंगे वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो आज सारा दिन बाबा को प्यार से अपने पास बुलाएंगे और फील करेंगे कि बाप दादा दोनों हमारे सम्मुख आ गए, उन्होंने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। ओम शांति।